नमस्कार मित्रों, मैं अनिश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी मैं हूँ गुरु रविदास जन्मस्थली। देखिए यहाँ पर भी लग रहा लंगर के लिए भीड़ लगा हुआ है, देख रहे हैं लोग बाहर खड़े हैं। यहाँ पर चलिए आगे चलते हम लोग, पूरा मेला का माहौल आपको दिखाते हैं। भीड़ काफी ज्यादा जबरदस्त लगा है। देखिए यहाँ पे मेला के लिए खुल गया, देखिए भंडारा के लिए लंगर इसे कहते हैं। भीड़ देखिए यहाँ कितना है। जगह जगह स्टॉल बना के मतलब भक्तों को लंगर खिलाया जा रहा है। इधर जाएंगे, इधर कई दूरी तक आपको फैला हुआ पूरा टेंट। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर बता दूँ 100 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास कल पीएम मोदी जी किए हैं। पीएम मोदी जी का तीसरी बार ये दर्शन है। यहाँ की प्रतिमा है गुरु रविदास जी का। मेले का माहौल देखें यहाँ पर, आदर्श टैटू गोदना सेंटर, हर माल 10 रुपये। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 647वीं जयंती पर पुलिस कमिश्नर स्वागत करता है। अंदर का माहौल दिखा दूँ आपको मैं। लंगर आ गया उस साइड, उधर है लंगर, यहाँ नहीं है, ये पार्क है। देखिए माहौल दिखाता मैं यहाँ का आपको। चलते हम लोग और दृश्य दिखाने प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए इस डायरेक्शन वीडियो बनाएंगे तो वीडियो क्वालिटी ठीक आएगी, वही जब अपोजिट करेंगे तो ब्लैक आता है वीडियो, इसलिए धूप में वीडियो बनाना थोड़ा मतलब वो पड़ता है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती उसमें। चलिए बाहर चलते हम लोग। कैलेंडर है यहाँ। यहाँ से व्यू देखिए कितना भीड़ है।
देख सकते हैं भीड़ कितना है इस समय। ये रास्ता सीधा चला जाता है मंदिर की तरफ, यहाँ से मंदिर दिख भी रहा है हल्का हल्का, स्वर्ण मंडित शिखर। मैं देखिए लोग रूम भी लेकर रहते हैं रात्रि विश्राम हेतु। भीड़ देखिए, प्लीज डोनेट फॉर कैंसर पेशेंट्स। देखिए महिलाओं का लाइन लगा हुआ है, दूर दूर से आए दर्शन करने हैं। तो पूरा एकदम मेला वाला माहौल है, ऐसे ही लखा मेला में सुमार नहीं है बनारस में। हमेशा 2024 के वैसे चुनाव चल रहा है तो वीआईपी लोग का आगमन ज्यादा हो रहा है इस समय। दोस्तों अगर आप कभी आए हो यहाँ पर दर्शन करने हैं तो कमेंट वो जरूर बताएगा मुझे, और आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो वो जरूर बताएगा मुझे। दोस्तों यहाँ विकास कार्य की अगर बात करेंगे तो विकास का क्या हो रहा है, तो जिस सड़क पर भी चले सड़क का मार्ग का विकास किया गया है, मंदिर सामने 220 मीटर का RCC काम किया गया है, सड़क चौड़ी काम किया गया है। तो देखिए लंगर वाली गाड़ी है, अभी घी सिलेंडर पहुँचा के गए हैं, और यहाँ पर 25 फीट की प्रतिमा बनाया गया है 1 करोड़ की लागत से, कांस्य की 3000 किलो की प्रतिमा, और 24 करोड़ की लागत से पार्क के लिए ज़मीन खरीदा गया है, 24 करोड़ की लागत से म्यूजियम बनेगा, लंगर हॉल नया बनाया गया था, तो कई सारे वर्तमान सरकार में काम भी किए गए हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए। क्योंकि जब योगी 2017 में आए थे दर्शन करने यहाँ पर, तभी उन्होंने इस परिसर की विकास की नींव रख दी थी उस टाइम पे, और यहाँ पर कई सारे विकास के लिए कार्य किए गए हैं। 11वां विशाल भंडारा 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। यहाँ देख ही रहे हैं आप, बाएं तरफ जाएंगे तो भंडारा यहाँ भी चल रहा है, इसके लिए देखिए यहाँ भीड़ लगी, रोका गया भी लोगों को, जैसे ही खाली होगा जगह तो फिर लोगों को भंडारा खिलाया जाएगा। सेवादार लोग लगे हुए हैं यहाँ पर लगातार। सामने देखिए मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए रात की वीडियो देखना है तो रात की वीडियो में डाला हूँ यहाँ पर कैसा माहौल रात को होता है। लगातार लाइन आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दोनों साइड दुकान देखने मिलेगा आपको, यहाँ देखेंगे यहाँ साइड से देखने मिलेगा आपको। संत रविदास मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय सीधे मंदिर सामने देख सकते हैं आप। ये है लंगर हॉल पुराना वाला। यहाँ पे भीड़ है कितना देख रहे हैं,
देखिए यहाँ पर लाइन लोग घुस रहे थे, मना किया जा रहा है कि बीच में समझ घुसी है किनारे किनारे हुई है। कृपा दान देकर चंदा रसीद से प्राप्त करें। ये इमली का देखिए ऐतिहासिक पेड़ है जहाँ पर गुरु रविदास जी सत्संग किया करते थे। पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है सुरक्षा व्यवस्था में। पहले जमाने में लोग क्या होता था कि भीड़ दर्शन करने काफ़ी दिक्कत होता था। देखिए डेरा सचखंड बल्लान लिखा हुआ है यहाँ। देखिए आप भीड़ देख सकते कितना है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हम लोग। बाकी दोस्तों यहीं रखते हैं वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मेरा वीडियो बनाने का प्रयास था कि आप घर बैठे मेले का आनंद ले सके और दर्शन करने के लिए वीडियोग्राफी भी अंदर अलाउ नहीं रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय गुरु रविदास जी की जय हो, जिन्होंने एक समाज सुधार का काफ़ी बहुत बड़ा प्रयास किया।